हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यंग एवेंजर्स के टीम मेंबर के बारे में, यानी कि हमें यंग एवेंजर्स की मूवी या फिर सीरीज में यंग एवेंजर्स के टीम में कौन कौन देखने मिल सकता है उसके बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को याद ही होगा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यंग एवेंजर्स की मूवी हमें देखने मिल सकती है या फिर डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस में हमें यंग एवेंजर्स की सीरीज़ देखने मिल सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा चांस ये है कि डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग सर्विस में हमें देखने मिले यंग एवेंजर्स की सीरीज़। वैसे ये तो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा कि हमें यंग एवेंजर्स की मूवी देखने मिलेगी या फिर यंग एवेंजर्स की सीरीज़ देखने मिलेगी। लेकिन बात करते हैं कि यंग एवेंजर्स की अगर मूवी या फिर सीरीज़ आती है तो यंग एवेंजर्स के टीम में हमें कौन कौन से मेंबर्स दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें यंग एवेंजर्स की टीम में दिखाई देंगे कैसी लैंग, हर्टलिंग, विकन, स्पीड, मिस अमेरिका, केट बायशॉप। तो ये तो बात होगी टीम मेंबर्स की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसी लैंग को तो हमने पहले भी देख चुका है, यानी कि एंट मैन, फिर एंड गेम में भी देखा है, और फिर अभी हम देखने वाले हैं एंट मैन 3 में। बात करूँ बाकी टीम मेंबर्स के बारे में तो हल्कलिंग हमें दिख सकता है स्वॉर्ड की सीरीज़ में, या फिर जो सीरीज़ आ रही है वांडा विजन के वो सीरीज़ में भी दिख सकता है, यानी कि स्वॉर्ड से रिलेटेड में ही कुछ हमें हल्कलिंग दिख सकता है मेरे हिसाब से। और बात करूँ वीकन और स्पीड की, तो वीकन और स्पीड हमें दिखने वाले हैं वांडा विजन के सीरीज़ में, वो दोनों वांडा के बेटे होने वाले, तो वांडा विजन के सीरीज़ में हमें दिखने वाले हैं। और बात करूँ मिस अमेरिका की, तो वो हमें दिख सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में। रूमर निकल के आए थे कि मल्टीवर्स से वो आएगी, ऐसे रूमर्स से मैंने आप लोगों को बताया भी था। और बात करूँ लास्ट कैरेक्टर की, जो कि केट बायशॉप, वो हमें दिखेगी हॉकाई की सीरीज़ में, यानी कि हॉकाई की बेटी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इन 6 कैरेक्टर्स के नेम क्यों लिए हैं, एक्चुअली 5, क्योंकि 5 जन को इंट्रोड्यूस अभी तक कराया नहीं गया एमसीयू में। कैसी लैंग को तो हमने एंटमैन में देखा, फिर एंड गेम में देखा, अब एंटमैन 3 मूवी में देखेंगे। और आप लोगों को पता है मुझे एक रूमर मिला था कि एंटमैन 3 सेटअप कर सकती है यंग एवेंजर्स का, वो अब सीरीज़ हो या मूवी हो जो भी हो, लेकिन सेटअप कर सकती है यंग एवेंजर्स का। और बात करूँ बाकी सब कैरेक्टर्स की, तो उनका नेम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें इंट्रोड्यूस कराने वाले हर एक सीरीज़ या मूवी के ज़रिए से। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग किसे देखना चाहते हो यंग एवेंजर्स की टीम में। मेरा लाइनअप आप लोगों ने सुना ही होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो मेरे फैंस हैं वो वीडियो को लाइक करो, और जो हेटर्स हैं वो डिसलाइक करो, और जो दोनों भी नहीं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।